रास्ता दिखा दे या खुदा। लेकिन मेरी इस बेटी की यतीमी एक इत्तेफाक नहीं होगी, क्योंकि तुमने सब कुछ जानते बूझते किया है। रीला, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना, याद है? तुम्हारी सजा की तारीख अनाउंस हो चुकी है। तो फिर कब खात्मा किया जा रहा है मेरी जिंदगी का? अगले महीने की 6 तारीख। सब सूली पर ही लटकाना है तो फिर इंतजार क्यों? फांसी के हर मुजरिम को इतनी मोहलत दी जाती है कि वो अपने पीछे रह जाने वाली जायदाद अपनी मर्जी से उसके मुस्तहिक वारिसों में बांट सके। मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी फैमिली के नाम करवानी है। मेरी जायदाद का 60% मेरी बेटी के नाम होगा। और बकाया 20-20% है अतेलिया बाजी और तुरिया के नाम। और कुछ? और वासिफ विलास की मलकियत अतेलिया बाजी और तुरिया दोनों के पास होगी। और एक जरूरी बात, मेरी फैमिली की तरफ से हमाद की बीवी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा जाए और उन्हें अपना केटरिंग का काम करने के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो सब मेरी फैमिली की तरफ से उन्हें मुहैया की जाए, ताकि किसी की मोहताज ना हो। बस और कुछ नहीं। वो मगरूर औरत अपने कातिल भाई को सजा मिलने के बाद भी उसी चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी है जैसे पहले खड़ी थी। तुझे क्या लगा था तू उसके सामने जाके रोएगा धोएगा तो वो तुझे माफ कर देगी? यार कोई तो रास्ता बता, मैं क्या करूं कि वो। एक मौका है तेरे पास, जल्दी बताना है यार मुझे क्या करना होगा। वासे, तू कुछ भी करके वासे को अपनी जानिब राजी कर ले। वासे अगर मरने से पहले तुझे माफ कर दे तो मुझे यकीन है कि वो भाभी को भी तेरे हक में कर देगा। बस तू किसी भी तरीके से उसको खुद से राजी कर ले तो तेरे सोए हुए नसीब भी जाग जाएंगे। मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए भी मुश्किल है, लेकिन
लेकिन अतीला बाजी, हमें हौसला करना होगा, अपने लिए नहीं, फांसे के लिए। क्योंकि अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे ना, तो उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो जाएगा। दुर्गा मैम, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं। बहादुर मैं भी नहीं हूं, बल्कि शायद आपसे ज्यादा कमजोर। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ पासे के बारे में सोचना है। इसी तरह बस उनकी सजा की तकलीफ कम हो जाए, बस। हिम्मत करनी होगी अदीला बाजी, प्लीज थोड़ा हौसला करें। Are you sure? I'm surprised. तो आपकी मौकिल केस जीतने के बाद वासी अहमद को माफ कर देना चाहती है? अरे भाई, आज तो उनकी सजा की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। Yes, my lord. But मेरी क्लाइंट ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। वो इंसानियत की एक आला मिसाल कायम करके अपनी रजा और खुशी से वासी अहमद को अपने मकतूल शोर का खून माफ कर देना चाहती है। अच्छा, एक काम करें, उनको मेरे ऑफिस लेकर आए। मैं अपने सामने उनका हल्फिया बयान रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। फिर हम एडवोकेट शुजात को नोटिस भेजेंगे ताकि वो अपने क्लाइंट की तरफ से माफी की अपील जो है वो कर सके। ठीक है? ओके सर, मैं कल ही कदर को आपके पास लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो भाई साहब, देर हो रही है, उसको बुला लीजिए। आ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, आप थोड़ा इत्मीनान रखें। वारे मौत, तेरे मौज से अच्छे अच्छों की हवा निकल गई। कैसे हो मेरे भाई? जैसा आप मुझे देखना चाहते थे। टूटा हुआ, हारा हुआ, शिकस्त खोरदा। ऐसे मत कहो। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर यकीन करो मैं अब दिल से पशेमान हूं। मुझे पल भर का सुकून मयस्सर नहीं है। मैंने अदीला और तुम्हें जो धोखा दिया, उसके लिए मेरा जमीर मुझे हर पल हर लम्हे लानत मलामत कर रहा है। मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। क्या फायदा माफी का? मेरे पास तो खुद चंद ही दिन बाकी बचे जिंदगी के। पर तुम मुझे माफ तो कर सकते हो ना? क्या करें आप? अब इसे हाथ मत जोड़िए। क्या करें हम? देखो, मैं तुमसे माफी लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अदीला मुझे अपना है ना अपना है, मगर तुम तो माफ कर सकते हो ना? आप ऐसा मत करें इमरान भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे बड़े हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा आपा से। आप प्लीज ऐसे हाथ मत जोड़िए, मत कीजिए ऐसा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा वासे।
खुदा तुम्हारी अगली मंजिलें आसान करे, तुम्हें उस जहां में जन्नत में घर मयस्सर हो। खुदा तुम्हारे सब कबीरा सगीरा गुनाह बख्श दे। आमीन। मैंने आज से पहले इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है भाई। ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे हाँ, कल तुम्हें मेरे साथ जज साहब के ऑफिस जाना होगा। जज साहब पहले फेस टू फेस तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद बाकी सारा प्रोसीजर होगा। जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ। और हाँ, जिस नंबर की तुमने डिटेल्स मांगी थी, मैंने वो डिटेल्स भी निकलवा ली हैं। ये लो, इसमें यूजर की डिटेल्स हैं, नाम पता आईडी कार्ड नंबर के साथ। ये तो क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, ये अदीला साहिबा का हस्बैंड इमरान और वासे अहमद का बहनोई है। What? से कुछ तो कहो। तो बस आखिरी बार अब सबको जी भर के देखना चाहता हूं। गवाह है, अगर मैं अपने भाई की सजा अपने हिस्से में लिखवा सकती तो लिखवा दे। आपकी नियत पे कोई शक नहीं है मुझे, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी सजा सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रहेगी। ये माशरा दिल की फैमिली को इज्जत की नजर से नहीं देखता। हो सकता है आने वाली मुश्किलात और मुसीबतों के बायस आप लोगों को मेरी मौत के बाद मुझसे नफरत हो जाए। आप ऐसा मत सोचें, हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसको मुकद्दर का लिखा सोच कर कबूल कर लेंगे। बहुत मुश्किलें हैं कि तुरिया, हम मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। फिर भी मेरे दिल को चैन क्यों नहीं मिल रहा? मेरे जाने के बाद आप दोनों बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। आप दोनों को किसी मर्द के सहारे की जरूरत है।
मेरी आपसे दरखास्त है, पिछली बातें भुला के इमरान भाई को माफ कर दे। तुम अभी तक उस बेहस इंसान के बारे में सोच रहे हो? मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ उन्हें माफ करके वापस बुला लें। उनके होने से कम अज़ कम आप तीनों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो होगा मुझे। नहीं, आप कुछ मत कहिए। मैं जानता हूँ आपके लिए इमरान भाई को माफ करना आसान नहीं है, लेकिन इसे अपने मरते हुए भाई की आखिरी ख्वाहिश समझ कर पूरा करते हैं। उन्हें माफ करके वापस घर बुला लें। अगर तुम्हारी यही खुशी है तो अपने दिल पे पत्थर रख कर उस दागाबाज इंसान को माफ कर दूंगी। थैंक यू। अब आप तो घर जाएं। इससे ज्यादा मैं खुद को रोक नहीं सकता, बहुत मुश्किल से खुद को संभाले। मुझे डर है कि आप लोगों के सामने फिर टूट ना जाऊं, बिखर ना जाऊं। इसे कभी मेरी कमी महसूस ना होने देना। मेरे हिस्से का प्यार भी तुमने देना है। तो क्या आपके इस फैसले की वजह आप पर किसी किस्म का दबाव या खौफ तो नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वासी अहमद को अपने खुश आवाज में अपनी खुशी और रजामंदी से बगैर किसी डर और दबाव से माफ कर देना चाहती। जी ऐसा ही है। अच्छा तो ये बताइए कि आप इस माफी के बदले वासी अहमद से या उसकी फैमिली से किसी किस्म का कसास तलब करना चाहेंगी? जी नहीं, मैंने ये फैसला किसी भी लालच के तहत नहीं किया, बल्कि अपने खुदा की रजामंदी के लिए किया। और उस मासूम बच्चे को यतीमी के बोझ से बचाने के लिए मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची भी इतनी छोटी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम हो जाए। ठीक, यहाँ एक और सिग्नेचर करनी है। अब वो वक्त भी दूर नहीं जब इस बंगले की नेम प्लेट पर वासी विला की जगह इमरान विला होगा।
कितनी अजीब बात है, जिसकी मौत की तुम्हें ख्वाहिश थी उसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी है। अगर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना, तुम्हें वापस बुलाना वासे की ख्वाहिश और मेरी मजबूरी थी, वरना मेरे दिल और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, पर इतना जरूर यकीन है कि बस मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। अकरम। यस मैडम। गेस्ट रूम तैयार हुआ? जी रेडी है। ओके माफ कर दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? माफी मांग रहा हूँ। कहते तो हाथ भी जोड़ लेता हूँ। मेरी दुनिया को मुझसे दूर मत करें। मैं अपना केस वापस ले। मैं अपनी बेटी और दुनिया से बहुत खुश रहूंगा। मैं हाथ जोड़ो, माफ कर दे मुझे, प्लीज माफ कर दे। ये भी अदालत में कह रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटी तो डायरेक्ट दी थी ना, उस वक्त पता नहीं था कि तुम पागल हो। क्या कहा? पागल हो, जाकर पहले किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मुझे पागल साबित करके मेरी बीवी की शादी अपने भतीजे से करवाने जाता है बुड्ढे? कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारी दीवानगी कभी खत्म नहीं होगी। अबे पागल किसे कहा तूने? किसे कहा पागल? तुझे कहा पागल? बस देखने आई थी कि मौत की सजा सुन के तुम कितने गुस्से में हो। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें?
आप कहे। आपका हक बनता है, मैं मुजरिम हूं आप। एक बात मुझे समझ नहीं आई अब तक, तुम्हें तो खुदा ने सब कुछ नहीं दिया, फिर किस बात की कमी थी, किस बात का इतना गुस्सा था? जब मेरी मर्जी नहीं चलती थी तो गुस्सा आ जाता था मुझे। मर्जी नहीं चलती, अब चल रही है मर्जी तुम्हारी। तो मर्जी ही बाकी नहीं रही, जाहिर है। किस पे चलाओगे मर्जी? गुस्सा तो तुम उन लोगों पे दिखाते थे ना जो तुमसे कमजोर थे, तुमसे दब जाते थे। ये लोग तो ताकतवर हैं, काबू में करके रखा है इन्होंने तुम्हें, इन पे कैसे गुस्सा निकालोगे तुम? दरअसल देखा जाए ना तो तुम्हें गुस्सा नहीं है, तुम्हारे अंदर तकब्बुर है मिस्टर वासी, तकब्बुर से भरे हो तुम। बीवी को मनाने गए थे, वो ना मानी तो गोलियां चलाना शुरू कर दी तुमने। मैंने सिर्फ डराने के लिए गेट पर फायर किए थे। मेरा तो डरा के औरत को रखना भी तो तकब्बुर ही है मिस्टर वासे। और क्यों डराना चाहते थे? इसीलिए ना कि वो कमजोर है तुमसे। ये नहीं पता कि वो ही औरत तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारी जिंदगी की साथी है, तुम्हारी बेटी की मां है। और शायद एक बहन भी तो है ना तुम्हारी। किसी के बारे में नहीं सोचा तुमने? ये भूल गए कि औरत का सबसे बड़ा साहिबा एक मर्द ही होता है। तुम्हारी नजर में तो औरत की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन लेकिन उनकी नजर में तुम सब कुछ हो। कभी सोचा उनकी जिंदगी से तुम चले जाओगे तो उनका क्या होगा? कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बगैर? दिल तो करता है कि तुम्हारी सांसें अभी की अभी रोक दूं, लेकिन नहीं, एहसास होता है कि तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगी वो। हफशी और दुरिया की शक्लें मेरे सामने आ जाती हैं। काश मैं उनसे ना मिली होती, काश मैंने अफशी को अपनी गोद में ना उठाया होता तो आज तो मौत का मंजर चख चुके होते। आज जो मैं तुम पे एहसान करने जा रही हूं ना, ये सब कुछ भी उन्हीं की बदौलत है।
उनकी वजह से ही है। वैसे तो तुम्हारे जैसा शख्स जीने के काबिल नहीं है, पर अब इस जो नई जिंदगी मिलने जा रही है ना, ये भी तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी की बदौलत है। मतलब माफीनामा जमा करा दिया मैंने, बहुत जल्द तुम अपने घर जा सकोगे। मैं बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पर। एहसान मानना है तो अपनी बीवी और बेटी का मानो। मैंने कोई एहसान नहीं किया था। हाँ मगर जाते जाते चाहती हूँ कि एक एहसान कर दूं तुम पे। आप कहिए कहिए आप। अपने बहनोई से होशियार रहना, दुरिया की हकीकत बताने वाला मुझे वही शख्स है। इंसान अपनी जिंदगी में अपना सबसे बड़ा दुश्मन उसको समझता है जो खुल के हमलावर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो हमारे बीच में अपनों का लिबादा ओढ़े हम पे सर्प लगाता है। गिन कर मैं तुमसे अपनी सारी बेइज्जतियों का बदला लूंगा, बस ये वासे मर जाए, ये सब मेरा हो जाएगा और तुम मेरी मोहताज बन जाओगी। अदीला बाजी, क्या हुआ दुरिया, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, बहुत अच्छा है। मुझे अभी अंकल का फोन आया था, वो बता रहे हैं कि कदर ने वासे को माफ कर दिया है। क्या इसका मतलब है कि मेरा भाई वापस आ जाएगा?
इसका मतलब है मेरे भाई को सजा नहीं होगी, बहुत लंबी जिंदगी जिएगा, आ जाएगा अपने घर हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही होगा, अंकल से बहुत डिटेल में बात हुई है मेरी। वो कह रहे थे कदर ने सब कुछ अपनी खुशी से किया है, बल्कि वो खुद गई थी जज के पास अपना माफीनामा जमा करवाने। अब बस हमें एक काम करना है, बासे की तरफ से कोर्ट में माफी की अपील करनी है, उसके बाद बासे रिहा हो जाएंगे। एहसान है जो मुश्किल वक्त में ये खबर नेमत है। मुझे लगता है वो लड़की जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रही है। कैसा प्लान? हमारी मजबूरी का फायदा उठाने का। रास्ता दिखा दे या खुदा।